हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले कि हम घर पे बैठे बैठे हमारा जो सन टैन है उसे कैसे निकाल सकते हैं, वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से, कोई केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल मैं इस वीडियो में नहीं कर रही हूँ। सो चलिए हम हमारा जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले आपको ले लेना है एक वेट टिश्यू, और उसकी हेल्प से आपको जो अपना पूरा फेस है उसे अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि हमें इस प्रोसेस से पहले हमारा जो फेस है वो एकदम क्लीन चाहिए। उसके बाद मैं फेस वॉश के लिए यूज़ कर रही हूँ बेसन। कोई भी जो बाज़ार के फेस वॉशेस होते हैं उससे भी बहुत ही अच्छा ये वर्क करता है। और लाइटिंग के लिए आई एम सो सॉरी, लाइटिंग बराबर नहीं था, लेकिन बेसन जो है उसमें बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिससे आपके जो फेस का डेड स्किन है और आपके फेस का जो क्लीन प्रोसेस है वो अच्छे से हो जाता है। आपको इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और उसे अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा के 2 मिनट का मसाज देना है, और उसके बाद उसे आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है। आप इसे एवरीडे एज अ फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा और नेचुरल तरीका है अपने फेस को वॉश करने का, और इससे जो है आपका फेस बहुत ही स्मूथ और अच्छा बन जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक स्क्रब बनाना। उसके लिए हमें लेना है 2 स्पून ऑफ शुगर और 1 चम्मच हनी का, और उसके बाद आपको जो आधा नींबू है उसे लेकर अच्छे से स्क्वीज़ करना है, और इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बनाना है जब तक आपका जो शुगर के पार्टिकल्स है वो थोड़े से फाइन तरीके से ब्लेंड ना हो जाए। आपको अच्छे से उन्हें मिक्स करना है, और जब आपको लग रहा है कि शुगर के पार्टिकल्स जो है वो थोड़े रिड्यूस हो गए और कम हो गए, उसके बाद आपको इसे अपने फेस पर अप्लाई करना स्टार्ट करना है। आपको इस स्क्रब को ऐसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इसे अपने फेस पर लगाना है। हनी जो है वो हमारे फेस को अच्छे से मॉइस्चर देता है, और जो लेमन है उसमें अच्छे ब्लीचिंग एजेंट्स है जिसके कारण हमारे जो डेड स्किन है, हमारे जो पोर्स है उन्हें अच्छे से वो क्लीन करता है, और इससे जो हमारा फेस है वो काफ़ी अच्छा सुधर जाता है, और ये टैनिंग निकालने में भी बहुत ही अच्छा हेल्प करता है। इसे अगर आप बाज़ार में ख़रीदोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स ऐड करके देते हैं, लेकिन आप इसे बिना केमिकल्स अपने घर पे इजीली तैयार कर सकते हो चुटकियों में, एकदम 5 मिनट में रेडी हो जाएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। आपको इस स्क्रब को भी 2 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है, और उसके बाद उसे धो के पैर ड्राई कर लेना है। उसके बाद जो हमारा फाइनल स्टेप है वो है फेस पैक। उसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सैंडलवुड पाउडर 1 स्पून का, 1 स्पून ऑफ हल्दी एंड 1/2 स्पून ऑफ कॉफ़ी, देन 2 स्पून्स ऑफ मिल्क, 1 स्पून एलोवेरा जेल का, 1 लास्ट एंड फाइनली आपको लेना है 1 स्पून ऑफ रोज़ वाटर, और इन सबको अच्छे से मिक्स करना है और एक थिक कंसिस्टेंसी में लेके आना है। आपका फेस पैक बिल्कुल ऐसा रेडी हो जाना चाहिए इसी कंसिस्टेंसी में, ना कि इससे ज़्यादा थिकर और ना ही इससे ज़्यादा थिनर, बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। इसे आप ब्रश की हेल्प से या फिर फिंगर्स की हेल्प से अच्छे से लगा सकते हो अपने फेस और नेक के ऊपर, और उसके बाद 15 मिनट इसे रख के उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लीजिए। इसमें जो हमने सैंडलवुड पाउडर और रोज़ वाटर यूज़ किया है वो हमारे फेस को कूलिंग देता है और उसे अच्छे से कूल रखता है। इसमें जो हमने मिल्क और एलोवेरा जेल यूज़ किया है वो हमारे फेस को मॉइस्चर देते हैं, इससे हमारा फेस एकदम मॉइस्चराइज्ड और सॉफ्ट रहता है। और उसके बाद हमने इसमें जो घरेलू चीज़ें यूज़ की है वो हमारे स्किन को और हमारे जो टैन है उसे निकालने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। मैंने अभी इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और अब मैं इसे पैड ड्राई कर रही हूँ। पहले से भी ज़्यादा अच्छे से और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं। मेरा जो स्किन है उसे टच करने के बाद मुझे बहुत ही सॉफ्ट और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, और काफ़ी हद तक जो मेरा टैन है वो भी निकला हुआ मुझे लग रहा है। सो इसे आप आराम से अपने घर पे ट्राई कर सकते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और ये बहुत ही ईजी है बनाने में। सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आई विल मीट यू सून अगेन विथ माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय।